नमस्कार दोस्तों, डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर के अंदर जो कॉल रिकॉर्डर का फंक्शन है उसका उपयोग किया जाता है। यह फंक्शन बहुत ही उपयोगी है और यह सभी तरह के व्यापारियों के लिए यह उपयोग किया जा सकता है। कॉल रिकॉर्डर का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर हमारे पास कोई ऐसे काम है जिनकी डेट्स हमें पहले से फिक्स है, जिस डेट पे हमें काम कंप्लीट करना है, उसके लिए हम पर्सनली डायरी वगैरह मेंटेन करते हैं, तो वो ना मेंटेन करके हम उसकी एंट्री अपने सॉफ्टवेयर में कैसे लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, क्या ऑप्शन होते हैं, कैसे क्या क्या कहाँ पे क्या ऑप्शन की सेटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले यह ऑप्शन जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपको यूटिलिटी में कॉल रिकॉर्डर के नाम से मिलता है। इस कॉल रिकॉर्डर पे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, पेंडिंग्स, मींस जो कॉल्स आपकी अभी तक पेंडिंग है अगर उनमें टिक रहेगा तो सिर्फ वो कॉल दिखेंगी। आप अगर क्लियर में टिक करते हैं तो जो कॉल्स क्लियर हो चुके हैं सिर्फ वो दिखेंगी, और अगर कैंसिल हो गई कॉल तो कैंसिल में टिक करेंगे तो सिर्फ कैंसिल कॉल दिखेंगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हमने पहले एक कॉल की एंट्री ऐड करके देख लेते हैं, जैसे मैंने एक कॉल की एंट्री ऐड करना है तो न्यू में मैं पहले क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वह एंट्री डेट होती है कि मतलब हमें ये कॉल किस दिन पे ले जाना है। जैसे मुझे यह काम अगर 25 फरवरी को करना है तो मैं 25 फरवरी डालूंगा। अब कोई भी काम होता है तो हमने उसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। जैसे मान लीजिए यह जो कॉल रिकॉर्डर फंक्शन बहुत उपयोगी होता है उन व्यापारियों के लिए जो सर्विस का काम करते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरे का काम हो, एसी डीलर का काम हो, वाटर प्योरीफायर का काम हो, या कि किसी तरह का सर्विस का भी वर्क उनके साथ ऐड किया जाता हो, जैसे किसी मोटर या मशीन की रिपेयरिंग करना हो, इस तरह से इस पे अगर काम करना है तो उनमें क्या होता है, कई बार उनके पास इंक्वायरी आती है जैसे कि मुझे ये पीस चाहिए, आप कितने में दे दोगे, या कि मुझे आप कोटेशन बना के दे दो। फिर हमें उसको बार बार फॉलोअप लेना होता है कि सर बताइए कब आप फाइनल करेंगे, या कि रेट का कोई इशू है, तो उसको हम इंक्वायरी में डालते हैं। अगर हमारी वो है न्यू कॉल्स है, मतलब एकदम नई कॉल है जो हमारी नहीं है, तो हम उसको न्यू कॉल्स में डालते हैं, और अगर उसमें रिपेयरिंग का कुछ काम कराना है जिसको हमने ऑलरेडी सेल किया तो उसको सर्विस में डालते हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पहले सर्विस सेलेक्ट करते हैं, इंटर करते हैं। यहाँ पे कॉल नंबर अपने आप वो है ऑटोमेटिक कंटिन्यू बढ़ता जाता है। यहाँ पे आपकी कस्टमर की लिस्ट आ जाती है, आप अपने कस्टमर को ऐड कर सकते हो। कस्टमर का नाम ऐड करते सेलेक्ट करना है आपको, देन उसके बाद जैसे आप इंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे बिल नंबर आते हैं। अगर आपने पहले से उसको माल बेचा है तो यहाँ पे वह बिल चढ़ा देंगे कि हमने इस बिल नंबर पे यह माल दिया था। तो जैसे मैंने 101 डाल दिया, इस पे स्प्लिट एसी के नाम से मैंने एक आइटम बनाया हुआ है। यहाँ पे आप अलग अलग अपने आइटम्स बना सकते हैं। अगर आपका प्योरीफायर का काम है तो प्योरीफायर के आइटम बना लीजिए, अगर आपका सीसीटीवी का काम है तो सीसीटीवी के आइटम्स नेम बना लीजिए। सिंपल आपको प्लस करके बना लेना है, देन उसके बाद इंटर करेंगे। प्रॉब्लम किस तरह की है, एक बार अगर आप प्रॉब्लम ऐड कर देते हो तो अपने आप ऑटोमेटिक लिस्ट में ऐड होती जाती है। जैसे प्रॉब्लम इन आउटडोर मैंने लिखा, ओके, देन उसके बाद अगेन इंटर किया मैंने। अब ये ट्रांसफर टू, मतलब मेरे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है उनको ट्रांसफर करना चाहता हूँ कि कौन एग्जीक्यूटिव इस प्रॉब्लम को देखेगा। इंटर करेंगे उसका, जैसे ही हम इंटर करते हैं एक बार नंबर डालने का तो ऑटोमेटिक उसका एग्जीक्यूटिव का मोबाइल नंबर आ जाता है इस पे। फिर कस्टमर ने कब बोला है मुझसे विजिट करने के लिए, तो कस्टमर का है कि 28 को यह विजिट करने के लिए बोल रहा है, टाइम दे दिया है, प्रॉब्लम अभी पेंडिंग, क्लियर, कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ कॉल स्टेटस में अगर प्रॉब्लम आपकी पेंडिंग है तो उसको पेंडिंग सेलेक्ट करेंगे, अगर वह कॉल कंप्लीट हो गई तो क्लियर सेलेक्ट करेंगे, और अगर हमें नहीं करना है उस कॉल को, यानी कि वो कुछ और प्रॉब्लम है जो हमारे द्वारा सॉल्व नहीं होगी, तो उसको हम कैंसिल डाल देंगे। तो अभी मैं फिलहाल पेंडिंग डालता हूँ। यहाँ पे रिमार्क में भी मैं कुछ और ऐड कर सकता हूँ, नोट्स ऐड कर सकता हूँ, कौन से पर्सन ने मुझे अटेंड किया या कि किसने फोन किया, तो मैं उसका नाम लिख सकता हूँ। जैसे विनय ने मुझे फोन किया तो विनय मैंने लिख दिया, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा। अगर मैंने फोन पे ही कोई चार्ज उसको रेट कमिट किए हैं, कोई रेट उसको मैंने कमिट किया है, तो यहाँ पे मैं चार्ज भी डाल दूंगा, जैसे 600 मैंने पर विजिट के लिए बोला हुआ है। और यहीं से सेंड SMS टू कस्टमर में क्लिक करूंगा तो अपने आप कस्टमर को भी SMS चला जाएगा कि थैंक्स फॉर कॉलिंग अस एंड आई विल गिव यू प्रॉपर सपोर्ट। जो भी आप अपना SMS बनाना चाहते हैं आप कंपोज कर सकते हैं।
यहाँ पे उसके डिफिनेशन के लिए भी दिया गया अलग से। इसके अलावा आप अपने एग्जीक्यूटिव को भी ऑटोमेटिक यहाँ से SMS जा सकता है। तो इस तरह से सारा कुछ भर के आप उसको सेव कर देंगे, और सेव करने के बाद अगर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के चाहते हैं कि एक एग्जीक्यूटिव को हम अपने दे दें या कि एक कस्टमर को दे दें, तो उसको सिंपल डबल क्लिक करिए, प्रिंट में जाइए, और प्रिंट करने के बाद उसकी एक कॉपी अपने आप जनरेट हो जाएगी। इसको भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि आजाद पटेल ट्रांसफर टू आजाद पटेल, प्रोडक्ट सीरियल नंबर ये है, विंडो एयर कंडीशनर है, मतलब जिस तरह का हो, अगर CCTV का हो तो यहाँ पे कॉलम और लाइंस वगैरह जैसा आप फॉर्मेट चाहते हैं, जो ऑप्शन चाहते हैं, यहाँ पे आया जा सकता है, लिखा भी जा सकता है टर्म्स एंड कंडीशन कि क्या है, टिक लगाना है नहीं लगाना, जिस चीज पे आप चाहोगे। देन इसके बाद यहाँ से हम यही चीज उसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, और PDF में भी उसको एक्सपोर्ट करके भेज सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हम प्रिंट निकाल सकते हैं अपनी कॉल्स की, प्रॉब्लम की, साथ में कस्टमर को और अपने एग्जीक्यूटिव को दोनों को SMS भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा, मान लीजिए आपको कोई एक्स्ट्रा फील्ड इसमें ऐड करनी है, तो आप यहाँ यूटिलिटी में जाइए, एडिशनल फील्ड में जाइए, और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डर सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पे आप अपनी एडिशनल फील्ड भी अपनी ऐड कर सकते हो जितनी चाहो आप, 13 फील्ड हैं जितनी आप ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कुछ भी, रिमार्क 1 रिमार्क 2, जो आप लिखना चाहो, ठीक है, या कि स्टेटस 2, जो भी आप लिखना चाहो, तो यहाँ से ऐड कर दोगे। जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये जब आप एंट्री करोगे तो वहाँ अपने आप ये फील्ड आने लगेंगी। जैसे मैं अभी एंट्री कर रहा हूँ, देखिए कॉल रिकॉर्डर पे, तो ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई कॉल बॉक्स नहीं है तो नहीं आएगा। जैसे मैंने एंट्री किया, देखिए ये सेलेक्ट किया, इंटर, ये अपने आप देखिए रिमार्क 1 रिमार्क 2 R1 R2 ऐसे करके आपको आने लगे। तो जितनी चाहें आपकी फील्ड यहाँ पे ऐड की जा सकती है, सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी ऑप्शन दिए गए हैं। अब हमारा पास कॉल्स की एंट्री तो हमने कर ली, अब हम उसको ट्रैक कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आप 24 की डेट डालते हैं तो देखिए आज की बस पेंडिंग कॉल दिख रही है। अगर आप यहाँ पे 25 फरवरी डालेंगे तो सिर्फ 25 फरवरी की कॉल्स दिखेंगे आपको, ये राजेश तिवारी की, और इसके ऊपर डैश टेबल क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल दिखा देगा। और इसी तरह से आप चाहें तो यहाँ पे अकाउंट नेम, कॉल नंबर, बिल नंबर, आइटम नेम, प्रॉब्लम या एग्जीक्यूटिव, रिमार्क, कॉल स्टेटस, इसके साथ डेट, कॉन्टेक्ट पर्सन, मोबाइल, चार्ज या किसी भी एडिशनल फील्ड जो आपने लगाई हो उससे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। और ये सारी रिपोर्ट्स जो कॉल्स की पेंडिंग कॉल की लिस्ट है, आप उसको डायरेक्ट एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये बस सिंपल आपके एक्सेल में भी आ गई। तो इस तरीके से आपका जो सर्विस रिलेटेड वर्क होगा, जो आपको याद करने में दिक्कत होती है कि आज किसका काम करना था, कल किसका काम करना है, परसों किसका काम करना है, या कि फिर आपको इंक्वायरी आ रही है कि आज किसी ने आपसे रेट पूछा, फिर 2 दिन बाद बोला कि मैं बताऊंगा, अब 2 दिन बाद आपको याद ही नहीं रहता है कि वो उसको फोन करना है कि नहीं करना है, तो इसमें जैसे ही आप डेट के हिसाब से एंट्री कर देंगे तो अपने आप वो आपको दिखेगी। अब फॉर एग्जाम्पल उसके बाद जो उसमें स्टेटस हुआ इसको ओपन करना है, और स्टेटस में जो चेंज करना है, मान लीजिए प्रॉब्लम क्लोज हो चुकी है, तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा और यहाँ पे रिमार्क लिख दूंगा कि कॉल क्लोज, एंड जो आइटम आपके लगे हैं वहां पे या कि जो फीडबैक लिखना है बाय आजाद। तो इस तरीके से आपको भी पता रहेगा कि किस एग्जीक्यूटिव को कितना काम दिया है आपने, उसने कितनी कॉल आपकी क्लोज कर दी है, कितनी कॉल उसकी पेंडिंग है। तो इस तरीके से अलग अलग आपका सारा कुछ मेंटेन हो जाता है इसमें। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यह है जिस, अब देखिए हमें पेंडिंग में नहीं दिख रहा, अब हम जब क्लियर में टिक करेंगे तब हमें दिखेगा, अगर हम उसको पेंडिंग में टिक करते हैं तो नहीं दिख रहा। तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी जितनी भी कॉल्स की या कि इंक्वायरी से रिलेटेड या कि फोन पे कई लोग बोल देते हैं, तो वो सारी जो कॉल्स हैं वो आप इसमें इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। यह एक छोटा सा ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर का बताया है, सॉफ्टवेयर बहुत विशाल है, बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है इसमें। एक साथ सभी कस्टमर को आप SMS कर सकते हो, WhatsApp कर सकते हो, बिल बना सकते हो, GST रिपोर्ट बना सकते हो, बारकोड निकाल सकते हैं, हिंदी में प्रिंट कर सकते हैं, आपकी पूरी ऑडिट रिपोर्ट GST R1 GST R2 निकाली जा सकती है, 3,500 से ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं इसमें, स्टॉक, अकाउंटिंग, बारकोड, सभी तरह की रिपोर्ट इसमें कस्टमाइज की जा सकती है। तो बहुत अच्छे ऑप्शन है, हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल करके हमसे फ्री डेमो ले सकते हैं, और आपको इस सॉफ्टवेयर को सीखने या चलाने में किसी तरह की दिक्कत या परेशानी होती है, चाहे आपने किसी से भी यह सॉफ्टवेयर लिया हो, आप हमसे सर्विस ले सकते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने व्यापारी भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और इससे रिलेटेड आपको बिजनेस में अगर कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम आती है या कि कुछ आप चाहते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर में अपने उस फीचर को और ऐड करें, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।